दोस्तों हक मौजूद अज पा जो एक नंढो पैगाम है गलई तो सिंध में खंभे गुम कल नौजवान हैं जो सालन का वी कर टॉर्चर सेलन में कैद हैं। हि पैगाम उन्होंने दिखा तो जिन नौजवान के शौर के नौजवान के कैद किया मुझे तुम सवाल यो है तो तक सिंध के नौजवान के कैद कड़े डोह में किया है। जैसे धरती की गाल कन था हक की गाल कन था तुम उन्होंने गुनहगार समझो था दहशतगर्द समझो था तवा भव है तो जो अदालतू जोड़ियों तुमने अदालत में पेश कर सजा दिया वो सजा कबूल कर तैयार हैं। बाकी मुल्क जो यो कानून इजाजत कान तो देो तुल्क जोड़ो है जो तन ठाया है वो आयन ये कान तो चवे तो तक कें भी मर्जी से खड़ी कर साल साल टॉर्चर सेल में कैद कर छो यो तो ही कानून है जो पा ठा अव उ कानून चे तो तक अदालत में पेश कर चोन था अदालत में पेश कर समझा तो ही तुम अदालतू तो कानून तुम आयन ही मुल्क जो है वो ठगी के बुनियादन से तैयार कर ठगी के बुनियादन से तक जक जोड़ कर रखा है। कलो को ढी है जिन सवे मू कराची में कतल कया जिन सवे मान रत् आयो उन्होंने तुम अदालत में पेश कर इजाजत दई छी उन्होंने मतलब केस जो खत्म कर छाया अज भी पार्लियामेंट जहाँ मेंबर बनया वेठा छो सिंध जो शौर तड़ो गुनाह किया सिंध के नौजवान कड़ो गुनाह किया अज उन नौजवान जो जीजल मायर रोडन रस्तन से एहतजाज कन थी अज उन भेनर रत जहाँ गोड़ा बहन थी उन्होंने वन साल वी वेठल कड़ो गुनाह है हि कड़ो डोह पाप है उन्होंने नंढा मासूम बचड़ा जो सुदकन था पी के उन प्यार को सुदकन था खुदारा खुदारा ही अगत हिसाब किताब तुम नौजवान के तुम आजाद कर जैसे गुनाहगार आए तक अदालत में पेश कर समझा तो हिता भाड़ियाप है हिता बुजदली है तौफ पान के समझी कर खौफ ज्यादा थी कर टॉर्चर सेल में कैद कर छोड़ा है।